ललन टॉप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आगरा में 8 दिन की एक बच्ची की मौत हो गई। उसे बुखार था और 6 अस्पतालों ने उसका इलाज करने से मना कर दिया। 6 मई की रात जिला अस्पताल में बच्ची की मौत हो गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के पिता 10 घंटे तक बीमार बच्ची के साथ एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहे, लेकिन किसी ने इलाज नहीं किया। बच्ची के पिता का नाम मंजीत सुतल है। उनकी पत्नी उषा ने 27 अप्रैल को एक प्राइवेट अस्पताल में बच्ची को जन्म दिया था। मंजीत ने बताया कि बेटी जब पैदा हुई थी तो स्वस्थ थी। 4 मई को हल्का बुखार हुआ तो वो उसे नजदीकी क्लिनिक लेकर गए। वहां कहा गया कि बच्ची को हॉस्पिटल लेकर जाइए। वो बेटी को MG रोड, प्रतापपुरा और शाहगंज रोड के 4 हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन सभी ने इलाज करने से मना कर दिया। मंजीत ने बताया कि 4 मई की शाम में मेरे एक दोस्त ने बताया कि एक प्राइवेट डॉक्टर मारुति एस्टेट क्रॉसिंग के पास मरीजों को देख रहे हैं, तो मैं भागा भागा वहां गया, लेकिन वहां के स्टाफ ने मुझे 1 घंटे से ज्यादा इंतजार करवाया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि इसे किसी और हॉस्पिटल लेकर जाओ, क्योंकि यहाँ वो सुविधाएं नहीं है जो बच्ची को चाहिए। इसके बाद मैं बेटी को फतेहाबाद रोड के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर गया। यहाँ स्टाफ ने बताया कि डॉक्टर ही नहीं है। मंजीत ने आगे कहा कि बच्ची की तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो उसे जिला अस्पताल लेकर गए। रास्ते में बच्ची कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। ऐसे में वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में रुके, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत बताया। इसके बाद वो उसे जिला हॉस्पिटल लेकर गए। मामले को लेकर जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार वत्स ने बताया कि उन्हें मामले की कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है। परिवार वालों को हेल्पलाइन नंबर 108 या 112 पर कॉल करना चाहिए था। पिछले 15 दिनों में आगरा में मेडिकल लापरवाही से कम ऐसे 3 मामले सामने आए हैं। जिन मरीजों को कोरोना वायरस नहीं था, उन्हें भी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एडमिट नहीं किया गया, उनका इलाज नहीं किया गया। इलाज नहीं होने के कारण गर्भ में बच्चे की मौत। 22 अप्रैल को एक प्रेग्नेंट महिला का इलाज करने से 2 प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने मना कर दिया। वो करीब 6 घंटे तक दर्द में रही। अंत में जब रात में 9 बजे उसे जिला के महिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तो डॉक्टर ने बताया कि बच्ची की मृत्यु गर्भ में ही हो चुकी थी। भाग दौड़ करते रहे, लेकिन किसी डॉक्टर ने इलाज नहीं किया। 24 अप्रैल को एक 12 साल के लड़के को पेट में दर्द था। 6 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इस लड़के का इलाज करने से मना कर दिया। अंत में लड़के को SN मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसे कोरोना वायरस वाले आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। आखिर में इस बच्चे की भी मौत हो गई। अब इलाज के इंतजार में बच्चों की मौत। 29 अप्रैल को 3 प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने 8 महीने के बच्चे का इलाज करने से मना कर दिया। जब माँ पिता SN मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो बच्चे की इलाज के इंतजार में मौत हो गई, क्योंकि उसने पहले कागजी कार्रवाई करने को कहा गया था। अस्पताल ने ऐसा कहा था उनसे। 30 अप्रैल को नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने आगरा जिला प्रशासन को इन मामलों को लेकर नोटिस जारी किया था। नमस्कार अदाब, मेरा नाम है सरवत, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप।